हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर यूकोपिन में। तो गाइस देखो, आज हम ब्रह्म युगम का ट्रेलर देखने वाले हैं। एंड देखो, ये जो मूवी है, आई मीन ये पैन इंडिया मूवी होने वाली है। और देखो, इस मूवी का जब टीजर आया था तो मैंने उस पर वीडियो बनाया था। एंड उस वीडियो मैंने आप सभी को बताया था कि आई मीन इस मूवी से रिलेटेड, देखो मुझे बहुत टीजर पसंद आया था। एंड इसका टॉपिक भी मुझे एक कहते ना जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला सिनेमा है ना, वो मेरे को टॉपिक बड़ा जबरदस्त लगा इनका। एंड मैं एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा, तभी बताया था मैंने आपको। एंड देखो आई मीन ममूती जी हैं इस मूवी में मेन लीड रोल में। और देखो ममूती जी की तो अभी मैंने लास्ट फिल्म भीष्म पर्वम देखी थी, जो कि हिंदी में भी है भाई। एंड वो मूवी बड़ी ही एक अच्छी मूवी है इनकी। एंड उसका क्लाइमेक्स बड़ा ज़बरदस्त है और बीजीएम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस मूवी का। तो देखो गाइस, जो ये ब्रह्म युगम आई मीन ट्रेलर है, हम इसको हिंदी में वॉच करेंगे। तो गाइस ट्रेलर को देखने से पहले इसके क्रेडिट्स पढ़ लेते हैं, फिर ट्रेलर को वॉच करते हैं। तो देखो गाइस, जो इस मूवी की कास्ट है उसमें ममूती जी एंड अमाल्द अली जी, ये दोनों मेन लीड रोल में होंगे। एंड और भी हैं बट मेरे को उनके नाम नहीं पता। एंड जो इस मूवी में म्यूजिक है वो क्रिस्टो एक्सवियर ने दिया है, और इस मूवी के रिटन एंड डायरेक्टर राहुल सदासीवन है। तो देखो इनकी भाई, मैंने तो कोई मूवी नहीं देखी है। एंड यार देखो, मलयालम सिनेमा एक ऐसा है ना, आई मीन यार उनके पास ना इतना बजट नहीं होता, बट उनकी मूवी की जो स्टोरी टेलिंग है ना, थ्रिल होता है जो उनकी मूवीज में, वो बड़ा ही एक कहते हैं दिमाग को हिला के रख देता है। तो कंसेप्ट में तो कोई कमी नहीं होने वाली उनकी मूवीज में। तो चलिएगा इस ट्रेलर को देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हॉरर लग रही है यार स्टार्टिंग से ही। और यार मेरे को, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई इस ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के लिए। सपना देख रहा था क्या भाई? समय व्यतीत करना भी कितना नीरस होता है। ममूती जी, जब कोई नीरसता के दलदल में डूब रहा हो। ममूती जी पुरकृष्ट औषधि है। तीर्थ देख रहे हो यार उनके, एंड ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा में बड़े जबरदस्त लग रहे हैं भाई इस लुक में। और ये दो पासे पासों के अंक से गोटे चलते हैं। जिसके गोटे यहां पहले पहुंचे वो जीता। सब भाग्य का खेल है। ये गोटे हैं और ये दो पासे पासों के अंक से गोटे चलते हैं। जिसके गोटे यहाँ पहले पहुंचे वो जीता। सौभाग्य का खेल है। स्माइल बड़ी क्यूट है यार। तुम विधि के साथ दो बार युद्ध नहीं खेल सकते। बीजेम यार बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस मूवी का। और ये दो पासे ओ भाई मेरे घूस बम आ रहे हैं यार मेरे को, वो सीन देखा पानी वाला। ये गोटे हैं और ये दो पासे सुनो, ये ब्रह्म युग है, इस काल में भक्ति और संस्कार निरर्थक है। स्माइल देखी लास्ट में, ड्रावनी थी भाई मेरे। तो देखो भाई, ट्रेलर तो ये काफी जबरदस्त है। एंड देखो इसका कंसेप्ट, आई मीन जब इसका टीजर आया था तब मैंने वीडियो बनाया था, एंड मैंने उसमें आप सभी को कहा था कि इसमें इसका जो कंसेप्ट है वो काफ़ी एक यूनिक है। एंड मेरे को अच्छा भी लग रहा है कि यार आज के टाइम हम दोबारा से एक ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा देखेंगे। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई इस मूवी के लिए। एंड देखो अगर बात करूँ ना इसका जो स्टोरी वाला कंसेप्ट है मूवी का, मुझे ऐसा लगता है, आई मीन देखो जैसे मूवी का टाइटल है ब्रह्म युगम, मुझे लगता है कि एक भ्रम हमें कुछ किसी चीज़ की आशंका होती है ना हमारे मन में पैदा होती है, जैसे हमें भ्रम हो जाता है किसी चीज़ का, तो उसके
उस कंसेप्ट को लेके मूवी हो सकती है। एंड जैसा कि पांसे को दिखाया गया है, कोई जैसे एक ब्रह्म युगम है जहाँ पे आप पांसे से जो भाग्य में लिखा हुआ है वो उसने बताया वही होगा, एंड आप उसको चेंज नहीं कर सकते जैसा दिखाया गया है इसमें, एंड बार बार उसी डायलॉग को रिपीट किया गया है। तो एक गेम की तरह एक स्टोरी टेलिंग लग रही है इसकी, जैसे शतरंज में खेला जाता है ना, उसी तरह की एक गोटियों से ये मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो चलती हुई नजर आ रही है मेरे को तो इस ट्रेलर से भाई। तो नाम एक टाइटल भी बड़ा यार एक यूनिक है, ब्रह्म युगम, ब्रह्म एक ब्रह्म की दुनिया है जिसमें आपको एक ब्रह्म मन में पैदा हो जाता है, उसको लेके कंसेप्ट लग रहा है मेरे को तो इस मूवी का भाई। एंड बाकी तो भाई साहब देखो मैं गारंटी देके कहता हूँ भाई इस मूवी का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी यूनिक होगा। एंड यार देखो इस मूवी इस तरह की मूवीज़ को सपोर्ट मिलना चाहिए तो मैंने इसलिए इस पर वीडियो बनाया, इसका जब टीज़र आया था तो मैंने टीज़र पर वीडियो बनाया था। एंड देखो मोती जी की देखो यार मैं क्या बात करूँ, उनकी मैंने पिछमो पर्व मूवी देखी है एंड बड़ी ही लाजवाब मूवी लगी थी भाई मेरे को, और भी मैंने देखी है उनकी मूवीज़ बड़ी पसंद आती है यार मेरे को उनकी मूवीज़। बट पता क्या है मलयालम इंडस्ट्री में यार इन लोगों के पास ना उतना एक हाई बजट नहीं होता मूवी में, इतना पैसा नहीं है। तो अब आप इसी मूवी का देख लीजिए ओनली जस्ट अगर इसको बॉलीवुड में मुझे तो लगता है शायद बॉलीवुड इसका रिमेक ना बना ले भाई मेरे। तो ये जो कंसेप्ट है ना अगर इस पे बॉलीवुड वाले तो काफ़ी भारी भरकम बजट है उनके पास तो इसलिए बढ़िया बना पाते हैं, बस इतना कुछ खास चलता नहीं उनका कंटेंट। अब यही देख लीजिए आप ये 27 करोड़ में बनी है एंड जिस तरह से एक ब्लैक एंड वाइट दुनिया क्रिएट की हुई है, एंड अभी जस्ट ट्रेलर में कुछ भी दिखाया उन्होंने, बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ इस टाइटल में छुपा हुआ है ब्रह्म युगम में ही। तो अब देखते हैं बाकी जब मैं बहुत एक्साइटेड यार इस मूवी को देखने के लिए, तो देखते हैं ये कब को आ रही है मूवी। पंद्रह फरवरी को आ रही है भाई मेरे, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और देखो यार मेरे आसपास के थिएटर में लगी तो इस मूवी को मैं जरूर देखूंगा। तो यार देखो मुझे तो ना ये अगर एक लाइन में को प्रोमिसिंग ट्रेलर लगा, जैसे और मूवीज मलयालम की हम उम्मीद रखते हैं किस तरह का ट्रेलर होगा, तो अच्छा है ट्रेलर। एंड बाकी तो मूवी जब थिएटर में लगी तो हम उसे देखेंगे एंड उसके बाद इस मूवी को सपोर्ट भी करेंगे, कंटेंट अच्छा होगा। और वैसे मुझे तो लग देखो राइटिंग में कमी नहीं होगी, दिखाने का तरीका देखते हैं कितना ज़बरदस्त है, कितने ज़बरदस्त तरीके दिखाएंगे। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर नहीं रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को प्यार से लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, एंड खासकर जो भी मोती जी के फैन है भाई बहुत जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को क्योंकि इस मूवी को हम काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। एंड आगे आगे इस मूवी के जो सॉन्ग्स आए हैं मैंने चेक किए थे इसके हिंदी ऑडियो आ चुके हैं तो हम उन पे वीडियो बनाएंगे एंड मूवी को ना उन वीडियो के सारे ही हिंदी में प्रमोट करेंगे। और मेरे चैनल पे तो नॉर्थ की ऑडियंस हैं तो मैं इसे नॉर्थ में पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा इस मूवी को। तो चैनल नहीं हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्यार से लाइक चेक कमेंट करके जो बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।